इनफैक्ट कल क्लासेस के बाद एक नए स्टूडेंट है, मैं उनका नाम रिवील नहीं करूंगा, राइट, उन्होंने मुझे पूछा कि सर मेरा 10 दिन हुआ यहाँ पे आए हुए, ठीक है, और आपने पोश्चर्स बताए मुझे समझ में आ गया, आपने जेस्चर्स बताए मुझे समझ में आ गया, और काफ़ी हद तक हम दूसरे स्टूडेंट्स को देखकर हम सीख भी रहे हैं, और अब मुझे लगता है कि पहले के मुकाबले तो मैं ठीक ठाक मतलब अपने जेस्चर्स को रखता हूँ। लेकिन एक ऐसा सेक्शन है यानी कि आई कॉन्ट्रैक्ट वाला, आप जब बोलते हो ना मेंटेन योर आई कॉन्ट्रैक्ट, मेंटेन योर आई कॉन्ट्रैक्ट, तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं देखूँ कहाँ। सर क्या मैं आगे देखूँ सामने वाले को? अगर ऐसा हो तो फिर वो कुछ और सोचने लगेगा, या फिर मैं पीछे वाले को देखूँ तो ये सामने वाले का इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, या फिर अगर मैं इधर उधर देखता हूँ, या फिर मैं सर आपको सीधे आगे देखता हूँ तो बाकी वाले साथ सुनना बंद कर देंगे, या किसी खास इंसान को अगर मैं देखूँ तो वो कुछ और सोच सकता है, वो मन में कुछ भी सोच सकता है भाई। तो यकीन जानिए ये बिल्कुल जेन्युइन सवाल था, और इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना इस पे मैं खास सेशन ही डिलीवर कर दूं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इस सेशन को दो तरीके से डील करने वाला हूं, राइट, और ये तमाम एस्पेक्ट्स इसी में डील होंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज के सेशन को मैंने दो तरीके से डील करने वाला हूं, पहला जो होगा इस वाले सेक्शन में आपको बताऊंगा कि आंखों का इस्तेमाल किन किन चीजों के लिए, कैसे कैसे इवेंट के लिए, कैसे कैसे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। वहीं दूसरी ओर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जब आंखों के मूवमेंट्स को बदलते हैं ना दोस्त, तो उसके मीनिंग बदल जाते हैं। जैसे सब किसी हर किसी को मालूम है, राइट, कि आंखों के भी अलग अल्फाज होते हैं, राइट, ये इसे बयां करने वाला जाने और इसे समझने वाला अच्छे से समझता है। चीजें क्लियर है? तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। पहले सेगमेंट में आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बेसिकली हम लोग आई कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कैसे हमें अपने आई कॉन्ट्रैक्ट को मेंटेन करना पड़ता है, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कॉपी कलम आप लाए हैं, बहुत अच्छी बात है, उसको बंद करें, दिमाग और आंखों को खोल लें और फोकस सीधा इधर। चीज समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते। देखने की जरूरत है यहाँ पे कि सबसे पहले जो होता है ना कि जो आंखों का इस्तेमाल हम करते हैं इंटरेस्ट को क्रिएट करने के लिए। एग्जैक्टली, फॉर इंस्टेंस, जैसे कि ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, खरी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, इस वाले कंडीशन में अगर मैं उनको देखूँ तो क्या मेरा आपसे कनेक्शन बिल्डअप होगा? क्या आपका इंटरेस्ट मेरी बातों में जाएगा? आप तो देखेंगे सर उससे बात कर रहे हैं, या फिर अगर मैं उससे ही बात कर रहा हूँ तो थोड़े टाइम तक आप मुझे सुनोगे सुनोगे सुनोगे, और पूरे कंसिस्टेंट वे में अगर मैं इधर देखता चला जाऊँ तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इधर वाले लोग धीरे धीरे इंटरेस्ट को क्या करेंगे, लूज करते चले जाएंगे। तो सबसे पहला जब हम अपने आई कॉन्टैक्ट को मेंटेन करते हैं ना, तो सामने वाले के दिमाग में एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है। अगर मैं उनसे बात कर रहा हूँ, मैं अपना आई कॉन्टैक्ट बना के रख रहा हूँ, तो वो बंदा मुझ में इंटरेस्ट लेगा। अगर वो मुझसे बात कर रहा है, वो आई कॉन्टैक्ट बना के ले रहा है, तो मैं भी उसे तहजीब से और कायदे से सुनूंगा भाई। क्यों? क्योंकि वो आंखों को मेंटेन कर रहा है ना, आई कॉन्टैक्ट को मेंटेन कर रहा है। और सबसे पहले चीज़ है कि ये कहीं पर भी किसी से भी आप बात करो, चाहे आप पूरे महफिल में बात करो जहाँ पे 1000 लोग हैं, मैं आपको बता दूँ लोग हो एक या हो 1000, आपको आंखों को मेंटेन करना सही तरीके से आना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले आंखों को मेंटेन करने से सामने वाले को दिल दिमाग में आप एक इंट्रस्ट क्रिएट करते हो, फिर वो आपको सुनना चाहेगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार नहीं, हर बार आपको सुनना चाहेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, यस, सवालों को पूछने के लिए भी तो किया जाता है ना। आप पूछते हो ना कभी कभी, आप सिंपली किसी से इशारे करते हो, कहाँ क्या चल रहा है। तो ऐसे जब आप कर रहे हो ना, तो आपने कुछ बोला नहीं, जैसे मैंने आपने सिंपली बोला ना, यानी कि इसका मतलब क्या है, आप पूछ रहे हो ना सिंपली कि क्या हाल है भाई, सब ठीक ठाक तो है। तो एक तरीके से सवाल पूछने के लिए भी हम लोग आंखों का इस्तेमाल करते हैं, राइट, अक्सर हम लोग करते हैं, और ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक क्रूशियल पार्ट है जिसको आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने देखा, यस, इंटरेस्ट को क्रिएट करने के लिए कोई सवाल पूछने के लिए, उसके बाद है क्या, अथॉरिटी को बिल्डअप करने। एग्जैक्टली, जैसे दो लोग आपस में उधर बात कर रहे हैं, इधर इधर ध्यान दीजिए, जैसे दो लोग आपस में उधर बात कर रहे थे, डन, अब मैं देख रहा हूँ चीज़ों को इग्नोर कर, अब मैं क्या होगा अगर मैं एक ट्रक उसको देखना शुरू कर दूँ, तो फिर मुझे देखेंगे वो, और फिर वो इधर समझ में आ जाएगा मैं क्या। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं आपको ये दर्शाना चाह रहा हूँ कि आप इंग्लिश एंड वर्क प्लेस के प्रमाइसिस के अंदर हैं, आप क्लासेस के अंदर हैं, तो आपको यहाँ के रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो मेरे स्टडी आई कॉन्टैक्ट से आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बिल्डअप करना चाहूँ। एक तरीके से मैं पोजिशन दिखा रहा हूँ यहाँ पे, एक तरीके से मैं अथॉरिटी को यहाँ पे बिल्ड कर रहा हूँ, राइट। तो इस चीज़ को बिल्डअप करने के लिए भी, इस चीज़ को क्रिएट करने के लिए, इस चीज़ को शो करने के लिए हम लोग आंखों को मेंटेन करते हैं, यानी कि आई कॉन्टैक्ट को हम लोग बनाते हैं। वो थोड़ा सा आई कॉन्टैक्ट बनाने का तरीका अलग होगा, हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, लेकिन आंखों को जब मेंटेन किया जाता है इस सिचुएशन में,
तो इसका मतलब होता है कि हम अथॉरिटी को क्रिएट करना चाह रहे हैं या फिर अपने पोजीशन को शो करना चाह रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं इस वाले सेक्शन में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, गेट द अटेंशन बैक, यानी कि अगर दो लोग बात कर रहे, अभी मैंने किया ना वहां पे, दो लोग बात कर रहे उस वाले कंडीशन में, अगर मैं उनको देखो दिया क्या होगा कि मैं क्या चाह रहा हूँ कि आपका दिमाग, आपका जो ध्यान है पूरी तरीके से सेक्शन में, यानी कि इस बोर्ड की तरफ आ जाए, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक टक मैंने सीधा आपको देखा, आप दो लोग आपस में बात कर रहे थे, आपका ध्यान इधर आ गया, चीज समझ में आ गई। तो यहाँ मैंने क्या किया, मैंने कुछ बोला नहीं, बस मैंने आंखों का इस्तेमाल किया और मैं ये चाह रहा बताना आपको कि आपका ध्यान मैं चाहता हूँ इस सेशन की ओर, गॉट माय पॉइंट। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला, ये तो बहुत अच्छे से जानते हो, आंखों का इस्तेमाल हम लोग किसी को डराने के लिए करते हैं, स्कॉल्ड करने के लिए करते हैं, और खास तौर पे जब हम चाहते हैं कि वो बंदा अटेंशन दे, हम चाहते हैं कि हम उसका अटेंशन ले, उस वाले कंडीशन में हो सकता है। दूसरा क्या होता है कि इन जनरल तरीके से भी हम लोग जब किसी को डांटते हैं ना, करोगे बदमाशी, किसी बच्चों को ऐसे डांटते हैं, राइट, या फिर किसी को धमकाना होता है, या फिर किसी को डराना होता है, तो जब डराना होता है तो हम लोग आंखों का इस्तेमाल करते हैं, राइट। हम बोलते कम है लेकिन इतना जोर से देख देते हैं ना लोग, आपने देखा होगा अपने घर के बड़े लोगों को जब आप छोटे थे, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, इतने जोर से आपको देख देंगे ना, वो कुछ बोले ना बोले आपकी खटिया खड़ी हो जाएगी, आपका हालत खराब हो जाएगा उतने में। वो मारे डांटे वो अलग सी बात है, लेकिन वो इस तरीके से देख देंगे आपको कि आपका हालत खराब हो जाए, आपको पसीने आने लगेंगे, फिर बोलते ना सिट्टी पिट्टी गुल, राइट। तो यहाँ पे ये काफी जोरदार तरीका है किसी चीज को शो करने का, कि और आंखों का इस्तेमाल करते हुए हम लोग चीजों को, यानी कि किसी को डराने के लिए करते हैं, किसी को डांटने के लिए करते हैं। और स्पेशली इसका इस्तेमाल कब होता है, जब हम चाहते हैं कि आप मुझे सुनो, जैसे कि लोग बात कर रहे हैं, मैं बोलूं हेलो क्या कर रहे हैं आप, ध्यान देना है ना यहाँ पे, तो ध्यान दिया। अभी मैंने क्या किया कि मैंने उनको थोड़ा सा डांटा, ना सिर्फ लफ्जों से बल्कि मैंने आंखों का भी इस्तेमाल किया उनको स्कॉल्ड करने के लिए, राइट, उनको थोड़ा सा डराने के लिए। तो चीजें आपको समझ में आ गई। और अल्टीमेटली हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कहीं से, यानी किसी इंसान के साथ कनेक्शन को बिल्ड करने। अब आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि जब आप किसी से बात कर रहे हो, जैसे कि मैं इससे बात करूँ, उससे बात करूँ, या फिर सीधे कैमरे वाले ऑडियंस से बात करूँ, कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना सर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैंने आपसे आंखों को मेंटेन करा है, तो कहीं ना कहीं हमारे और आपके बीच एक कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है। अब अगर मैं इधर उधर देखता चलूँ तो क्या आप मेरी बातों को सुनोगे, उनको लाइक आई आंसर तो उधर पढ़ा रहे या फिर इधर वाले लोगों को पढ़ा रहे, मुझसे तो बात ही नहीं कर रहे। ध्यान देने वाली बात है कि जब मुझे आई कॉन्टैक्ट ध्यान मेंटेन करना है, यहाँ वाले लोगों को अटेंशन देना है या फिर उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करना है, तो मैं यहाँ देखूंगा, इधर वाले लोगों को करना है तो मैं यहाँ देखूंगा, और जब मुझे पब्लिक के साथ करना है तो बिल्कुल मैं आपको देख रहा हूँ जिस तरीके से अभी मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके साथ मेरा कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, चीज समझ में आ रही। चलिए आप ध्यान दीजिएगा, एक जो सवाल जिस तरीके से आया था उसको मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। यस, इन महाशय का सवाल था, यही था ना, इनका सवाल था कि सर हम देखें कहाँ पे। तो इस चीज को मैं दो तरीके से बतलाना चाहूंगा कि आप यहाँ पे आप खड़े हो स्टेज पे, आपको बोलने के लिए बुलाया गया, सारे लोग बैठे हुए, राइट। तो ध्यान दीजिए कि मेरा 3 टिप्स फॉर्मूला आपको याद करना है, यानी कि राइट लेफ्ट एंड सेंड फॉरवर्ड, एग्जैक्टली राइट लेफ्ट एंड सेंड फॉरवर्ड। तो यहाँ पे करना क्या आपको कि जब सारे लोग बैठे हुए हैं तो ना आपको सामने वाले को देखना है, ना पीछे वाले को देखना, ना मुझे देखना है, ना कहीं खास जगह पे देखना। सिंपली आप जब बोलना शुरू करो तो शुरू करो राइट से, आपने थोड़ा सा राइट में देखा, आंखों को रोल करते करते आप सेंटर फॉरवर्ड पे ले गए, यानी कि मिडिल पे ले गए, और फिर रोल करते करते आप इधर ले गए, फिर जबकि आप यहाँ का रुके हो तो फिर आपने इधर से शुरू करा, फिर आप मिडिल पे आ गए, फिर आप यहाँ पे आ गए, समझ में आ रहा है। यानी कि आपको तीन ही पोजिशन पे, तीन ही डायरेक्शन पे अपने आंखों को रोल करना, अपने आंखों को मूव करना, समझ में आ गए, राइट मिडिल एंड लेफ्ट। तो ये चीज आप याद रखें। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, अगर बहुत सारे जैसे यहाँ पे 30 लोग बैठे हुए, 30 से 35 लोग बैठे हुए, अब इसके अलावा अगर 10,000 भी लोग होंगे ना, तो स्टेज पे आपको बुलाया गया, चीजें क्लियर है, स्टेज पे आपको बुलाया गया तो आप क्या करोगे, पर्टिकुलर इंसान को तो देखते नहीं चलोगे ना, अच्छा कोई बंदा इधर भी है तो आप बताते बताते इधर भी देख रहे हो, कोई बंदा स्टूल लेकर सामने बैठा हुआ तो आप बताते बताते इधर भी देख रहे हो, नहीं भाई, ये बंदा बैठा हुआ सामने ये तो कनेक्शन लूज करेगा ना, क्योंकि सुनने के लिए इतना करीब बैठा हुआ, ये क्या है कि जाहिर सी बात आप इनके तरफ देखो भी ना तो ये भी ज्यादातर सामने वालों को ही देख, क्यों, क्योंकि ऑडियंस तो आगे है बैठी हुई, समझ में आ रहा चीज है ना। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, राइट मिडिल एंड लेफ्ट तीनों का इस्तेमाल करना है, और आंखों को बस रोल करते चले हो जाना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रहा हमारा पहला कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन जिस तरीके से इनका सवाल था कि अगर कोई सामने वाला बंदा है ना सर, तो उसको देखे कहाँ, क्या उसके हम चेहरे पे देखें,
क्या उसके फोरहेड पे देखे, क्या उसके बालों पे देखे, क्या उसके आंखों पे देखे। अगर आंखों पे ज़्यादा जोर से देखा जाए तो हो सकता है उसके दिल दिमाग में कोई और फीलिंग आ जाए, ऑब्वियसली हो जाएगा राइट, कुछ भी सोच सकता है। या फिर मैं देखूंगा तो मैं आपको सीधा बताऊं, आपको खुद ही चीज़ समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, सारे लोग बैठे हुए हैं, आप लोग सारे मुझे देख रहे हैं, आप मुझे बताइए कि ऊपर से नीचे तक आप कहाँ पे देख रहे हो? मेरे जूतों पे? नहीं। मेरे पैंट पे? नहीं। कहाँ पे? मेरे कलाइयों पे? नहीं। कहाँ पे देख रहे हो? बेसिकली आप मेरे कमर से ऊपर वाले पोजीशन पे ज़्यादा ध्यान दोगे, यही होगा ना चीज़ें, चीज़ समझ में आ रही, यही हो रहा है ना। लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं आऊँ अगर टॉप में, जहाँ पे आपका मेजर यानी कि आपका प्राइम फोकस कहाँ पे जा रहा है, तो होगा सीना से ऊपर। और उससे भी ज़्यादा जाओ तो आप किसको देख रहे हो? मेरे चेहरे को। आप चेहरे में हो सकता है, कभी आपने मेरी आंखों को देखा, कभी आपका नज़र मेरे फोरहेड पे गया, कभी आपका नज़र मेरे चिक्स पे गए, समझ में आ रही चीज़ें। तो बेसिकली जब किसी इंसान को देखते हैं ना, तो आँख आप जो है वो एक जगह टिका नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप टिका के भी रख रहे हो मतलब फीलिंग तो बदलनी ही बदलनी है। आप किसी को एक टक सिर्फ आंखों में नहीं देख सकते राइट, यहाँ पे क्या होगा, उसको ऑकवर्ड सिचुएशन मतलब ऑकवर्ड लगने लगेगा, वो शायद नर्वस हो सकता है, वो कुछ और फील कर सकता है, उसको बुरा लग सकता है, ये समझ में आ रही। तो जब आपको पूरा चेहरे पे देख रहे हैं तो कभी आपको तो पहली बार जेंटल पोजिशन रखना है, एक जेंटल आई कॉन्टैक्ट रखना, नहीं कि एकदम जोर से घूरे जा रहे हैं, आपने आईब्रो को ऊपर कर लिया या फिर छोटी सी आँख बना ली या फिर बड़ा आँख बना लिया, ऐसा कुछ नहीं करना राइट। आपने एक जेंटल आई कॉन्टैक्ट रखा और जब आप बात कर रहे हो तो आपने देखा कब, अब थोड़ी देर के लिए आप उनके आंखों को देख रहे हो, थोड़ा आप उसके फॉरवर्ड को देख रहे हो, थोड़ा आपको चिप को देख ले राइट। तो थोड़ा सा आप आंखों को शिफ्ट कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं, हाँ। लेकिन अगर आप उनके आंखों को देख रहे हैं अचानक, फिर आप उनके पैर को देखने लगे, फिर आप उनके शर्ट को देखने लगे, फिर आप उनके कलाई को देखे, तो यहाँ पे पूरा डिस्टेंस है भाई, एक यहाँ देख रहे हो फिर इधर देख रहे हो फिर इधर देख रहे हो फिर इधर देख रहे हो, उस बंदे को ऑकवर्ड लगना ही लगना। लेकिन सिर्फ चेहरा का पोजीशन कितना हो, थोड़ा सा हुआ, उसके बाद अगर आप थोड़ा थोड़ा इधर उधर आई कॉन्टैक्ट को शिफ्ट करते हो आंखों से चिक्स तक, चिक्स लेकर फोरहेड तक, तो कोई मैटर नहीं है, उसको बुरा भी नहीं लगेगा और सीधा सीधा आप आंखों में उसके झांक भी नहीं रहे हो। चीज समझ में आ गया, पहली बात जेंटल आई कॉन्टैक्ट रखना और थोड़ा सा आई कॉन्टैक्ट को हम शिफ्ट कर सकते हैं। चीज समझ में आ रही है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि आंखों का इस्तेमाल हम लोग कनेक्शन को कैसे बिल्ड करने के लिए करते हैं। तो इस वाले मैंने आपको बताया कैसे कैसे इवेंट, कैसे एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम लोग आंखों का इस्तेमाल करते हैं। और ये सिनेरियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आंखों के मूवमेंट्स बदलते हैं मेरे दोस्त, तो मीनिंग भी पूरे तरीके से बदल जाता है। आगे बढ़ाऊं मैं? चलो तैयार है ना, आप ध्यान दीजिए।